जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KNI महाविद्यालय के बारे में। दोस्तों ये कॉलेज जो है महाविद्यालय अब तक अवध यूनिवर्सिटी के जरिए ही अपने LLB MEd BPEd इन सब में एडमिशन्स लेता था, लेकिन इस बार से कुछ मेजर चेंजेस, एक बहुत बड़ी परिवर्तन आई है। सो विल टॉक अबाउट दैट। सो ये हमारा KNI कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल सोशल एंड साइंस, ये अवध यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एडमिशन्स की प्रक्रिया यहाँ भी शुरू की गई है। अब तक जो KNI है वो अवध यूनिवर्सिटी के जरिए इंट्रेंस एग्जाम्स के बेस पे एडमिशन यहाँ पे लिया जाता था, लेकिन इनका ये नोटिस बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पे आएगा कि स्नातक पर यहाँ पे विधि मतलब लॉ 3 वर्ष के पाठ्यक्रम। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन KNI ने जारी किया और जिसमें ये बताया कि अब अगर आपको एडमिशन लेना है, दोस्तों KNI के कॉलेज में, तो इसके लिए आपको KNI कॉलेज का सेल्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कैसा, इस नोटिफिकेशन को हम विधिवत तरह पढ़ लेते हैं। देखिए प्रवेश इस सत्र में जो प्रवेश परीक्षाएं होने वाली है उससे संबंधित सूचना ये है कि सभी को सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है कि संस्थान 23-24 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा स्वेच्छाशासी मतलब ऑटोनोमस बॉडी। अब ये वो स्ट्रक्चर होता है जैसे वो विश्वविद्यालय या वो विद्यालय या वो कॉलेज अपने आंतरिक मामलों पे फैसले वो खुद ले सकता है कि परीक्षा कब करानी है, सेमेस्टर में रखना है, ईयरली रखना है या फिर एडमिशन की प्रोसेस, तो इस पे फैसला वो खुद ले सकता है। यानी कि अभी विश्वविद्यालय का इस पे जोर नहीं है, तो इसको एक ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वेच्छाशासी संस्था घोषित कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों BBA की और LLB की 3 वर्ष की और BPEd एवं MEd पाठ्यक्रम में प्रवेश शैक्षिक सत्र 24-25 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। मतलब अब तक जो अवध यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन और उसके एग्जाम्स होता था, अभी यह सेल्फ एग्जाम्स कराएगा। डेट की बात करें तो डेट देख सकते हैं आप दोस्तों, पिछले महीने यानी कि अप्रैल में ही 29 से शुरू कर दी गई है, जिस दिन विश्वविद्यालय ने शुरू किया था, और आखिरी डेट 27/6 रखा गया दोस्तों, 27 तक। यानी कि आपके पास टाइम है, 2 महीने का टाइम है, लेकिन आप यहाँ तक वेट मत करिएगा, जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। अगर हम पैसे की बात करें तो कितना पैसा रखना है दोस्तों, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 1,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 500 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप KNI में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ से MEd LLB BPEd BBA करना चाहते हैं, तो आपको KNI का अपने खुद इनका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। दोस्तों कुछ बातें आपको बता दूं कि अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेके और आप ऐसा कॉलेज जाते हैं जहाँ पे डिसिप्लिन हो, रेगुलर क्लासेस चले, अच्छे से प्रैक्टिकल कराया जाए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है आपका सुल्तानपुर के अगर आसपास आप रहते हैं तो। यहाँ पे डिसिप्लिन या फिर कॉलेज की रेगुलरिटी की बात करें वो बहुत ही अच्छा होता है, प्रैक्टिकल की बात करें बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप रेगुलर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो ये संस्थान बेस्ट है आपके लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ का फॉर्म भरें। हाँ एडमिशन प्रोसेस टफ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे एजुकेशन इन्वायरमेंट अच्छा होगा वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टफ होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि आप नहीं निकल पाए। मेहनत करेंगे एंट्रेंस एग्जाम तो यहाँ से निकल जाएगा। फीस भी यहाँ की कंपैरेटिवली अलग कॉलेज से कम होती है, तो आप यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा सीरियस बच्चों का, मतलब क्योंकि देखिए अगर आप सीरियसली नहीं रहेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज कम हो जाएगा आपका अटेंडेंस, तो आपको एग्ज़ाम देने से भी रोका जा सकता है। तो सीरियसली अगर जिसको पढ़ाई करना हो, सीरियसली अपना समय देना चाहता हो एजुकेशन में और सीखना चाहता हो, तो ये संस्था जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। दोस्तों बस ये सूचना थी कि KNI अब अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराएगा अवध यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम से अलग। अगर आपको KNI में एडमिशन लेना है तो इनका फॉर्म भरना पड़ेगा और इनके अपने फॉर्म में एंट्रेंस एग्जाम्स और इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। छोटी सी सूचना, आगे जो भी सूचना आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। दोस्तों पसंद आई वीडियो, जानकारी अच्छी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।